जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कैडेट बबली रावत जीत के जिद में। अभी के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से, और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मैं गई थी अपनी दीदी लोगों के वहाँ, और यहाँ पे मेरी अम्मा भी आई हुई है। अम्मा पी रही है अभी सुबह सुबह चाय पी रही है मतलब, और अभी हम यहीं पर बैठे हुए थे बाहर से सभी लोग। अभी मैं अम्मा से बोलूँगी, अम्मा मेरा बर्थडे आने वाला था, अम्मा कहे कि सुन लिया मैंने, अम्मा अब तो मेरा बर्थडे आने वाला है। कब सो जा, कब सो जा बच्चे, यहां चप्पल तो अच्छे आ रहा है ना। ये 20 को तारीख है, तू 20 को कब आने है तू? ये पटन खाने के लिए लाए या क्या खाए के लिए लाए? खा भी लेना। की गिफ्ट है दिल्ली में? क्या कि जो पर आ जाने वाला है? हां आ रहा ना कोई भैया। ओए बे कब बात को आ रहा? कदो आ रहा हूं सो जा। को तो की दिल्ली में के कि दो बेटू पाए दिन मजाक कर रही। तो चलिए अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक ऐसे ही बने रहिए। ये लाटे को मैं आज कितने दिनों बाद देख रही हूँ, और इसको देखो अभी खाना भी खाने लग गया है, इसका अन्नप्राशन हो गया है। तो अन्नप्राशन में मैं घर नहीं थी तो इसका ब्लॉग नहीं आ पाया। बटू मेरा बेटू मैं बता रहा नहीं सुबह तेज हूँ खान पुरा सब भी पढ़ो तो ये पढ़ा वाले बनी ही बढ़ो ने सब भी दें कोई कैसा काम नहीं करने। हाँ तू माय रिफिल दे भी ना सब माय रिफिल दे से तू सब दे दे मैं अंता आया सब ना किलो बाद में मैं बना हूँ मैंने ऐसा ना मैं बबली जर्नी में सोना वाल सोना सब नहीं कुछ हूँ सब नहीं कुछ ही हाँ बड़ी हूँ और अभी तो वाल जो हूँ तू तो मैं लक्ष्मी भी वही बदी जै मैं बबली तक कोई नहीं जैसे मैं बबली को नहीं भेजनी थी बुरी हूँ बुरी को ऐसा तो उन्हें हुआ कोई ना को होला बुरी मर जा। क्या कहती थी तू? क्या न तो सब फ्रॉक आ गया को है जब अपन नाते हैं को है अंदर बुरी बजी हुआ ब्लॉक ना 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 कर कर ना हूँ इतने क्या फोन है मुझे बुढ़िया हितू सुबह सुबह दूध पीने लग गए हो क्या? अभी तो रोटी खाओगे बुआ के साथ, चलो चलो रोटी खाओगे, तेरे को बैठा दिया अब तो रोटी खाएगा, चल खा रहा है ऐसे खिला रहे हो। अभी हम जा रहे थे आम तोड़ने अपने खेत के, जो पेड़ दिख रहे हैं ना वहीं जाना है अभी हमें आम तोड़ने। भाभी बाल्टी लेके जा रही है और मैं डंडा, इतना छोटा सा बड़ा डंडा हमें मिला नहीं, तो अभी भाभी को हम पेड़ में चढ़ाएंगे फिर भाभी आम तोड़ेगी। मैंने ये बाहर से अभी दादा की शर्ट पहनी है, धूप लग रही है ना। ये आप देख सकते हैं जो हमने उस दिन मक्का बोई थी, ये मक्का जमी नहीं अच्छे से हमारी, बस एक दो मक्का जमी हुई है, बाकी पूरा खेत बंजर पड़ गया है। और ये रहा हमारे आम का पेड़, ये हमारे भगवान जी, इनको सब जय बोलो, सॉरी भगवान। जितने आम दिख रहे हैं मुझे नीचे ही दिख रहे हैं, पेड़ में तो मुझे एक भी आम नहीं दिख रहा है, एक आम नहीं दिख रहा है यार। हो रहे हैं चढ़ो, कुछ नहीं होता है मंदिर, भगवान जी को तो पता ही है। गाइज यहाँ से हमें निराशा के साथ घर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक दाना भी आम का नहीं मिला, जितने मतलब मिले हैं उतने नहीं मिले जितने हमने सोचे थे, बस 5-6 दाने पेड़ में आम के लगे हैं, वो तो अब जब पकेंगे तभी खाएंगे हम, वो हमने सोचा कि बहुत आम होंगे तो इसका हम अचार भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारा मोए मोए हो गया ये रही भाभी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को, लेकिन दिखाती हूँ बाल्टी में फिर भी आम ले गए हैं हम। भाभी एक बार दिखाओ तो, क्यों खाएगी शर्म? पैरों की हालत
अभी रुको ना एक मिनट, ये चप्पल से मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको हम कितने आम लेके आए हैं। ये देखिए, ये आम हम लेके आ रखे हैं अपने खेत से, वो भी तोतों ने खा रखे हैं। भारी भारी वाली एक्टिंग करो ना, भारी बाल्टी पकड़ने की एक्टिंग करो। पापा को दिखाने के लिए भाभी एक्टिंग कर रही है कि बहुत आम तोड़े हैं हमने। धीरे से बोलो ना, ऐसा मत बोलो, समझ जाएंगे। इसको तो बस सांप 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 सांप। थोड़ा हिलाओ मत ना बाल्टी। सब खा जाए तो नहीं है। क्या आपको जो दिख रहा है ये लकड़ी का ही है, इसको भी हम पहले बनाने से पहले साफ करेंगे। ये है हमारा मुन्नू और चुन्नू। हमारे हीरो आ गया है, आपको हमारा हीरो दिखाऊंगी। ये देखो हमारा हीरो आ गया, देखो ये देखो। तुम कब गए बिना बताए हैं? कल कब गए तुम हमें बिना बताए? बिना बताए जा। इधर देखो डॉन, ओ डॉन, पिल्लू डॉन चुंगुल से भाग गए हमारे। पीछे ही देखा है, पीछे ही देखा है लड़का। इधर देखो, अरे गुन्नो ये देखो, इंडी सी हिली उसकी, जैसे गाड़ी में वो गुड्डे नहीं हटते। ये हम अम्मा को देखो, अम्मा देख रही है ऊपर से, अम्मा अम्मा देख रही है ना। अम्मा कैसा लगा फिर नानी के घर? कितने मच्छरों ने काटा आपको? ये बात नहीं कर पाता ना, अभी बहुत छोटा बच्चा है, अभी तो 7 मंथ का हुआ है, सॉरी 6 मंथ का हुआ है, अभी 6 मंथ का है। और हम इसको ऐसे बैठाते हैं, इतनी हवा चल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये हीरो है, फिर हीरो हीरो का पेट्टू नीचे को कलो। अभी मीनू और मैं जाते बुआ के, वहाँ मीनू रनिंग करने के लिए रेडी हो गया है। ये रही हमारी दूध की बाल्टी 3 किलो की, वहाँ पे रही मीनू। अभी मतलब हवा चल रही है, आपको दिख ही रहा होगा हमारे बाल उड़ रहे हैं, तो हवा तो चल ही रही है, बट हवा बताऊँ गर्म हवा चल रही है। इसको हमारे पहाड़ियाँ बोलते हैं लू लगना, तो लू लग गई हमें ना, मतलब अब मुझे नहीं पता प्लेन्स वगैरह में ज़्यादा, मतलब जो जो बाहर के होंगे बहुत अदर स्टेट के, वो लोग क्या बोलते होंगे, लेकिन हम उत्तराखंड वाले ही लू ही बोलते हैं कि लू जो गर्म हवा चलती है उसे। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में आप बताना जरूर मुझे। हमारे यहाँ तो जब गर्म हवा चलती है गर्मियों में उसे लू बोलते हैं। ये रनिंग के लिए तैयार हो रही है, इसको बिल्कुल ताकत नहीं है, जूते नहीं पहन पा रही है, और ये रनिंग कैसे कर रही है। मुझे रनिंग कराने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, आप लोग देखना। मैं जाऊँगी स्कूटी में, क्योंकि बुआ को क्या पहुँचाना है दूध, हो रही दूध की बाल्टी। क्यों रनिंग करते हुए आएगी? मैं धीरे धीरे चलाऊँगी, दूध की बाल्टी हाथ में पकड़ के आएगी। हमारे राइडर भैया भी
गिरती गिरती अभी गिरती। मत करो तो तेल बर्बाद हो रहा है। मनी ऐसे नहीं करते बाबू, मेरे को आराम चलाना है बहनी, तेरा कोई भरोसा नहीं है। बाय बन्नू। बाय गाइस। हाँ? तेरे बुबू मारेंगे। तो गाइस अभी बुआ के यहाँ से हम वापस आ रहे हैं और मैं स्कूटी में हूँ। जल्दी आना मटरू। दौड़ दौड़।